दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आई है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी। और ये नवरत्ना इंडिया की टॉप कंपनी है। तो इसमें हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, क्वालिफिकेशन, कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बात करते हैं। पहले डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई है। डिप्टी मैनेजर की पोस्ट की बात की जाए, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट में आपकी बीई बीटेक अलाउड है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल दो ब्रांचों के लिए है। 6 वैकेंसी है, 36 ईयर मैक्सिमम 17 लाख का पैकेज है। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा होगा आई नो, तो ये आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आपके जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर, ठीक है, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस। तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में 13, मैकेनिकल में 6 और कंप्यूटर साइंस में 7। अपर एज लिमिट 32, बाकी 14 लाख का पैकेज है। ठीक है, और इसमें आपका बहुत सारी फैसिलिटी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो MSc और MTech होता है ऑप्टिकल फोटोनिक्स से, उनकी 1 वैकेंसी है गाइस। ठीक है, और ऑल डिटेल्स इनके वेबसाइट पे है। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और भी डिटेल्स मैं बताऊँगा जैसे ही पूरा डिटेल्स आता है। बाकी अभी इतना इन्फॉर्मेशन था तो सोचा आपके साथ साझा किया जाए। ठीक है, और ये वैकेंसी बहुत अच्छी होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छे PSUs है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आती है बहुत सारी। अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने ये देख ही सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और सिलेक्शन ज़रूर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही वैकेंसी लाता रहता हूँ आप लोगों के साथ। और चीज़ें यही हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।